टिहरी झील के ऊपर बन रहे बहुप्रतीक्षित डोबरा चांठी पुल पर इसी साल मार्च महीने से आवाजाही शुरू हो जाएगी। पुल का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। इस पुल के बनने से प्रतापनगर के लाखों लोगों को फायदा होगा और जिला मुख्यालय तक पहुंचने में करीब 60 से 80 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। आपको बता दें कि प्रतापनगर के लोग साल 2006 से ही इस पुल के निर्माण की राह देख रहे हैं। कभी धन की कमी तो कभी तकनीकी अड़चनों की वजह से इस पुल का निर्माण अटकता रहा, लेकिन अब इस पुल के खुलने से अलग थलग पड़े प्रतापनगर क्षेत्रवासियों को राहत मिल जाएगी। दरअसल टिहरी बांध बनने के बाद प्रतापनगर आवाजाही के लिए बने तमाम पुल झील में समा गए थे। इसके चलते प्रतापनगर के लोगों के लिए जिला मुख्यालय तक का सफर काफी लंबा और महंगा हो गया था। यहाँ के लोगों की मांग थी कि एक भारी वाहन पुल बनाया जाए। लोगों की समस्या को ध्यान में रखकर 2006 में डोबरा चांठी पुल के निर्माण को स्वीकृति मिली थी, जिसे 2 साल में पूरा होना था, लेकिन तमाम अड़चनों के कारण इस पुल को बनने में 14 साल लग गए। जो प्रतापनगर की लाइफलाइन जिसको कहा जाता है, जो कि 2006 में स्वीकृत हुआ था और लंबे समय से उसकी इंतजारी थी कि कब बनेगा, कभी उसमें कई प्रकार की उसमें दिक्कतें आई है, कभी लगता था कि बनता है कि नहीं बनता है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2017 में, तो जो हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी हैं, उन्होंने इसको गंभीरता से लिया है और इसको इसके लिए पूछा है कि आखिर ये बन क्यों नहीं रहा है। तो जो हमारी कार्यदायी संस्था है उसने कहा है कि इसमें पैसे की कमी है, पैसे के अभाव में ये बार बार लटकता रहता है ये, और मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए एक मुफ्त बजट करीबन 90 करोड़ रुपए एक साथ अवमुक्त करके जो है कार्यदायी संस्था को दिया, और आज उसका परिणाम ये है कि आज वो बन करके लगभग तैयार है। छोटे मोटे कई पुल थे जिससे जो हम लोगों को जो है आवागमन के साधन थे हमारे पास, लेकिन तेरी झील बनने से जो है ये जो हमारे छोटे मोटे पुल जो है ख़त्म हो चुके हैं। और आज की डेट में जब डोबर चांठ 14 साल के लंबे इंतजार के बाद माननीय विधायक प्रतापनगर विजय सिंह पंवार जी और त्रिवेंद्र सरकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं क्षेत्र की तरफ से, कि उन्होंने इतने लंबे इंतजार के बाद एक मुफ्त रकम दी जिससे हमारा पुल तैयार हो सके। इस पुल के निर्माण में लंबा वक्त लग गया है। कभी धन की कमी आड़े आई तो कभी डिजाइनिंग की खामियां। एक बार तो निर्माण के दौरान पुल के सस्पेंडर ही टूट गए थे। इस सब के बावजूद इस पुल के निर्माण में कई पड़ाव आते आखिर पुल अब अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ गया है। ये एक भारी वाहन झूला पुल होगा। इरेक्शन का काम, पुल को जोड़ने का काम पूरा हो चुका है, इसमें वेल्डिंग टॉर्किंग काम पूरे हुए हैं। इस समय हम इस पर पेंटिंग का काम कर रहे हैं और उसके एंड में एक्सपेंशन जॉइंट पर लगाने का काम किया जा रहा है, और फरवरी में मौसम ठीक होने पर इसमें मास्टिक का काम किया जाएगा और इसको मार्च में हमारा पूरा करने का लक्ष्य है। उसके बाद इस पर यातायात का कार्रवाई की है। अब पुल के दोनों हिस्से जुड़ गए हैं जिससे लोगों को उम्मीदें जगी हैं। इसका निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में है। ये एक भारी वाहन झूला पुल होगा जिसकी लंबाई करीब 440 मीटर है। इसकी चौड़ाई 5.5 मीटर है। इस पुल से 15 टन से ज्यादा वजनी वाहनों को गुजरने की इजाजत नहीं होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए टिहरी से सूर्य प्रकाश रमोला की रिपोर्ट।